हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर एक और नई मज़ेदार ट्रिक के साथ में अब एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा कि जैसे हम साइट पर होते हैं और साइट पर कोई भी हमारा कैंटर में या फिर ट्रॉली में मटेरियल आता है तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे कि वो हमारा कितने फिट है। तो आज मैं इसी के बारे में उसको कन्वर्जन कैसे करते हैं उसको मेज़र करना भी आपको बताऊंगा। और अगर किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको ट्रॉली को या फिर जो भी हमारी बकेट होती है जिसमें मेटल आता है उसको मेज़र करके भी दिखाऊंगा किसी दिन। तो आज हम आपको दिखाते हैं डायरेक्टली पेपर पे कैसे कन्वर्ट करके इसको लिखा जाता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ट्रॉली को जब भी मेज़र करते हैं तो हम उसको लेंथ में मेज़र करेंगे। लेंथ मेजर करेंगे, लेंथ होगी हमारी कितनी फिट में होगी तो हम उसको फिट में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो उसकी विड्थ होती है, विड्थ भी हम उसकी मेज़र कर लेते हैं, विड्थ भी हम उसको फिट में मेज़र करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, लेंथ मेजर कर ली हमने और विड्थ मेजर कर ली, उसके बाद हम उसकी जो है डेप्थ को मेज़र करते हैं। क्या चीज़ में मेज़र करते हैं दोस्तों, डेप्थ को मेज़र करते हैं। डेप्थ भी हमारी होती है उसको, अगर वो हमारी एग्जैक्टली फिट में नहीं आ रही है, वो मेजर तो हम करते हैं फिट में ही, लेकिन अगर वो एग्जैक्टली हमारे फिट में ना आए, मान लो जैसे 3 फुट 6 इंच आ गई है, तो हम इस 6 इंच को फुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हम टोटल इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे कि टोटल हमारा कितने क्यूबिक फिट हमारा मेटल आया हुआ है। दोस्तों देखते हैं, ये अब हमारा ट्रॉली का अपर पोर्शन है। हम ऊपर से देखते हैं तो हमने ट्रॉली ऐसे दिखाई थी, ये हमारे ब्रिक पोर्शन है और ये लेंथ पोर्शन है। हम इसको मेज़र कर लेते हैं कि हमारी लेंथ जो थी ये 10 फीट दी हुई है। तो हम दोस्तों हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो हमने क्या किया, लेंथ की मेज़र कर ली, 10 फीट हो गया, हमारी सारी कैलकुलेशन फिट में है, तो इसमें बार बार हमें इसमें एफ टी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जो एफ टी जो है रिप्रेजेंटेशन होता है फुट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ब्रेथ की बात करें तो दोस्तों, ब्रेथ हमारी अगर 5 फिट है तो हमने इसको मेजर कर लिया है, तो 5 फिट को हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर हमारी डेप्थ दोस्तों, अगर डेप्थ जो हमारी लगभग इस तरीके से आती है 3 फिट और 6 इंच, तो हम इसको 6 इंच को फिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 फिट 6 इंच। तो अब इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसको करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम सबसे पहले 6 इंच को कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, हम 6 इंच को 12 से डिवाइड करते हैं। दोस्तों 12 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 फिट इक्वल टू होता है हमारा 12 इंचेस होता है। तो हम इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 10 × 5 × 3.5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब हमारा 0.5 होता है, या 3/2 भी लिख सकते हैं। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 3.5, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों वैल्यू जो आएगी वो हमारी आ जाएगी 50 × 3.5, या आ जाएगी 175 क्यूबिक फुट। तो हमारा जो मेटल होगा इस ट्रॉली के अंदर या बकेट के अंदर, वो मेटल हमारा होगा 175। दोस्तों अगर आपकी ट्रॉली पूरी रेक्टेंगुलर शेप में है और इसमें यहाँ पर आपके जो पहिए होते हैं इनको भी डिडक्ट किया जाता है, अगर आपकी पहियों का साइज जो है पहियों के ऊपर की तरफ दे रखा है तो आपको डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपके अगर ये सर्कुलर टाइप के हैं तो इसके लिए आपको डिडक्शन भी लगाने होंगे, और या फिर रेक्टेंगुलर टाइप में हैं तो उसके लिए भी डिडक्शन लगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कुछ साइड से जुड़ी बातें आपको समय पर मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।